हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सेम की और आलू की सब्जी कैसे बनती है, सेम की फलियों की रेसिपी कैसे बनाएं, सेम की फली की सब्जी कैसे बनाएं, वो भी एकदम कम समय में और कम लागत कम कीमत में, हलवाई जैसा टेस्ट आप अपने हाथों से बनाएं। जो कोई सेम की फली नहीं खाता है आपके घर में, कोई भी आप या फिर बच्चे बूढ़े, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मेरा आपके साथ में दावा है इस बात का। आप ये सेम की फली की सब्जी देख रहे हैं, देखिए वाव एकदम। और कुछ भी अलग से नहीं डालना है आपको, बस थोड़ा सा अगर आपके पास अदरक है या फिर सौंठ पाउडर है उसके साथ में चुटकी भर आप कैसे इस्तेमाल करें, और कुछ भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और थोड़ी सी मलाई का इस्तेमाल सब्जी में आप कैसे करें देखिए, लाजवाब बनाने के लिए, कम समय और कम सामान में, कम कीमत में हलवाई के जैसा टेस्ट लाने के लिए। तो चलिए चालू करते हैं, हम अपनी सेम और आलू को कट कर लेते हैं। चलिए देखिए, सेम की फली में बहुत सारा जाल होता है तो उसे निकाल लेते हैं पहले। तो हमने गाइस आलू और अपनी सेम काट ली हैं। अब हम चल्ले की मदद से इस चल्ले में इसे डाल के और धो लेते हैं। तो चलिए सेम की फली को हमने धो लिया है। अब यहाँ पर हम डालते हैं पीसने के लिए एक टमाटर, चार लाल मिर्ची और देखिए प्याज। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो डालिए, अगर नहीं खाते तो बिल्कुल मत डालिए। आधी हरी मिर्ची और लहसुन प्याज और चुटकी भर इसमें जीरा डालते हैं, हल्दी आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। अब सर्दी है तो दो या तीन फिर आप काली मिर्च और लौंग डाल सकते हैं, जावित्री वगैरह डाल सकते हैं, एक टुकड़ा मैं ये भी डाल दूंगी। और यहाँ पर आधा गिलासी पानी, सिर्फ आधा गिलासी पानी। चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। तो हमने चलिए पीस लिया है मसाले को, यहाँ पर आप इसमें अदरक भी पीस सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने ध्यान कर लिया है, दूध हमारा जल्दी उबलने वाला था, उबला नहीं है, अच्छे से पका लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने गैस ऑन किया और रख दिया है कढ़ाई को। यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे सरसों का। अब यहाँ पर हम चुटकी भर जीरा डालेंगे, आधा कटी हुई प्याज डालेंगे, अदरक थोड़ा कस के डालेंगे, कद्दूकस करके थोड़ा सा इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब जो हमारा मसाला है उसे हम ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार गाइस नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। एक चम्मच मलाई जरूर ऐड करती हूँ मैं सर्दियों में, बस वही अपनी जो दूध हम गर्म करके रखते हैं, दूध से ऊपर थोड़ी सी मलाई आ ही जाती है ना चाह कर भी, वही मैं तार के रख देती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जो मलाई है हमारी थोड़ी खट्टी होती है वो फट जाती है। और गाइस हम इसे थोड़ा सा लो फ्लेम रखेंगे और ढकते हुए पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे मसाले को। तो देखिए अब हम देख लेते हैं। तो देखिए मसाले को आप खुद ही देख सकते हैं, एकदम इतना बढ़िया, कैमरे में भी नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए इतना बढ़िया हमें नेचुरल इसका कलर दिख रहा है। और तेल ने मसाला अलग कर दिया है, तेल अपना अलग जगह पकड़ चुका है, देख सकते हैं। ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है, देखिए मसाले ने, ये जो हमारा मसाला है मसाले ने बिल्कुल तेल को अलग छोड़ दिया है। और जब भी हमारा मसाला अच्छे से फ्राई होता है, तो चलिए मसाला हमारा तैयार है एकदम। इसे आप चावल से, रोटी से, पराठे से ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे सेम की फली की रेसिपी बनानी है तो इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, और इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने गर्म पानी इधर साइड में करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए आलू के लिए हमें एक गिलासी पानी से भी कम लेना है, ये पानी हमें लेना है सेम की फली के लिए। ये एकदम जैसे दम बिरयानी बोलते हैं, बिरयानी में सॉरी चावल के लिए पानी होता है, ज़्यादा डालना पड़ता है। यहाँ पर एकदम दम लगा के, यानी ऐसे ही हम खुशक जैसे भी आप बोलते हैं वैसे ही आप इस तरह से देख लीजिए, थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हमारे आलू अच्छे से गल सकें। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे।
अब देखते हैं हम 5 मिनट के बाद। तो चलिए देख लेते हैं हम 10 मिनट के बाद रेसिपी हमारी कैसी हुई है तैयार। साइड में मैं रोटियां भी बना रही हूँ, देख सकते हैं, और देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी हमारी सेम की फली और आलू की सब्जी बनी है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, इसमें मैंने हींग भी नहीं डाला है, और हींग आप इसमें डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा अदरक का मैंने पेस्ट डाला था, थोड़ा सा कद्दूकस करके। इसे बच्चे हैं ना तो इसे मैश कर सकते हैं थोड़ा सा आलू को, इस तरह से देखिए। अब हमारी ये रेसिपी तैयार है। इसमें अब हम देखिए हरे धनिए को ऐड कर देंगे, और जो एक मिर्ची मैंने हरी छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी थी। सब्जी हमारी एकदम तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? एकदम फास्ट फास्ट मैं जल्दी दिखाने की कोशिश करती हूँ, आपका समय व्यतीत ना हो ज़्यादा, आपका समय ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि दोस्तों सभी के लिए समय बहुत ही कीमती होता है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट की वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और जो लंबा प्रोसेस होता है किसी रेसिपी में वो हो जाती है 8, 7 या फिर 10 या फिर 15 मिनट की, नहीं तो 7-8 मिनट की वीडियो में बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सच में मुझसे रुका नहीं जा रहा, इतनी अच्छी रेसिपी बनेगी मुझे खुद को नहीं यकीन था। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है सेम की फली की। तो लीजिए आलू की और हमारी सेम की रेसिपी की सब्जी एकदम बढ़िया वाली परफेक्ट परफेक्ट तरीके से तैयार है, गर्मा गर्म। आप भी खाइए, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद है सेम और आलू की सब्जी की आलू की और सेम की सब्जी सॉरी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी रेसिपी हमारी तैयार हुई है। आप किस तरह से बनाते हैं और क्या बोलते हैं ये सेम की फलियों को, और कहाँ से आप देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और खाली कमेंट से ही काम नहीं चलेगा। अगर गाइस आप न्यू हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की रोज़ मैं आपके लिए मेहनत करके और रेसिपी एक से एक लेके आती रहूं। और हाँ, खाली इसी से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर आल वाली प्रेस करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, मुझे जरूर बताएं कि आप प्लीज़ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं, मेरे हस्बैंड को बिना घी की सब्जी पसंद नहीं है और बिना घी की चुपड़ी रोटी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए तैयार है और आप सबके भी लिए तैयार है। आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी ही कोई अच्छी सी रेसिपी, कम समय कम सामान में और टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसा एकदम परफेक्ट बन के आने वाला है। तो मुझसे जुड़े रहें, आप वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।